हाय मूवीज मूवीज, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया है, मेरा भी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मस्त है सब कुछ। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ हुई थी और चड्ढा साहब जो है वो गड्ढे के अंदर गिरे थे, और राइटफुली सो, क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि जो पुराने कुकर्म करे हैं आमिर खान ने, उसकी वजह से उसको दंड मिलना चाहिए, उसकी मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए, और पीके के टाइम पे ले लीजिए या अदरवाइज देश को छोड़ने की बात हो, ये सब एंटी नेशनल की तरफ इंडिकेट करता है। और ये भी इंडिकेट करता है कि आप सिर्फ अगर कुछ भगवान की टीचिंग देना चाहते हैं तो जो सेंटर ग्राउंड रिलीजन जो होता है वो हिंदू होता है, तो आप इस्लाम के ऊपर भी कुछ बोलो तो तब हम मानेंगे कि आप न्यूट्रल हो। तो इन्होंने बोला कि जी नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपने कुछ ऐसा समझा है या फिर आपको ऐसा लगता है मैंने दिल दुखाया है। तो लोगों ने बोला नहीं नहीं यार, तू दिल से नहीं बोल रहा, तेरी पिक्चर रिलीज हो रही है इसलिए तू ऐसा ऐसे बोल रहा है, तो हम फिर भी बॉयकॉट करें। और बॉयकॉट का नतीजा ये हुआ कि जो वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ उसमें 130 करोड़ इसने करा, 150 करोड़ रुपीज़ की तो लागत थी, तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी फ्लॉप हुई। उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी क्या रिसेंटली हुआ है, तो जो रिसेंटली ये हुआ कि आमिर खान ने एक वीडियो अपने प्रोडक्शन हाउस से हैंडल से आमिर खान प्रोडक्शन से जारी किया है कि भाई मैंने दोबारा से मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि अरे मूवी वूवी का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया और बंद हो गई मूवी, जो भी हुआ बॉयकॉट भी हो गया। अगर बोला कि जी माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी वजह से कभी भी किसी का दिल दुखा है मैं नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, और ये सब हुआ तो ये ट्रेंड में आ गया लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान, माफ़ी, ये सब चीज़ें, बॉयकॉट नहीं आया इस बारी ट्रेंड में। और लोगों ने अब इसके बारे में बोला कि नहीं यार अभी भी दिल से नहीं लग रहा है ये, आप अपॉर्चुनिस्ट हो, हम आपको माफ़ ही नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन आज का सिर्फ इतना सा है कि जब हमने इनको बॉयकॉट करा था तो हमने बोला था कि माफ़ी मांगो और ये करो कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना और बिल्कुल ही केयरफुल रहना। अब वो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल केयरफुल रहूँगा और मैं माफ़ी मांगता हूँ, और पहली माफ़ी हमने बोला कि नहीं तेरी दिल से नहीं है, फिर उसने वीडियो माफ़ी मांगी, फिर उसके बाद भी हमने बोला कि नहीं जी हम फिर भी नहीं माफ़ कर रहे। तो वो एक्चुअली में हम चाह क्या रहे हैं, अब क्या हो इसके बाद, तो उसके बारे में ये वीडियो है आज का। तो कॉमेंट सेक्शन में तमीज़ के दायरे में हम ये आज डिस्कस करेंगे कि अब हम क्या चाह क्या रहे हैं, हम क्या हो अब, क्योंकि किसी ने बोला कि जी मैं मान लिया कि मैंने गलती करी नोइंगली अननोइंगली, अब मैं क्या करूँ आगे, तो हमने बोला हम तेरी सुन नहीं रहे, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, तो बोला मैं वीडियो दोबारा से रिलीज़ कर देता हूँ, मैं उसमें बोलता हूँ कि जी मैंने बड़ी माफ़ी मांगी मेरे को माफ़ कर दो, अब हम कह रहे हैं कि अभी भी नहीं कर रहे, तो व्हाट इज़ दैट कंडीशन ऑन विच पीपल विल लेट्स से फॉरगिव हिम और एनीबडी एल्स हु इज़ अगेंस्ट द नेशन और एनीबडी हु इज़ अगेंस्ट द हिंदू रिलीजन। हमारी एक्सपेक्टेशन अब जिसने जो कर दिया उसका करेक्शन पॉइंट क्या हो सकता है, ये आप बताओ। अगर कोई बंदा मन से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये अगर दो तीन चीज़ें तू ढंग से करेगा तो फिर माफ़ी मिलेगी, अदरवाइज तो नहीं मिलेगी, बिकॉज पीपल आर वेरी केयरफुल दीज डेज। कॉमेंट करके बताओ यार। बाय बाय।